नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर में राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 76 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी मोबाइल के पार्ट्स को एक्सचेंज कर देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने में जुट गई है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो लोग क्षेत्र में चोरी के मोबाइल बेचने के लिए घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर विष्णु और रवि नामक दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 मोबाइल बरामद किए। सख्ती से पूछताछ करने पर इनके कब्जे से पुलिस ने 76 मोबाइल बरामद किए हैं। ये इंदौर शहर में कई बार मोबाइल चोरी और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं की सूचना आती है। ये काफ़ी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा डीआईजी सर एसपी साहब के द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। इसी कार्यक्रम में निर्देश दिए गए थे कि इस प्रकार के जो अपराधी हैं उनको लगातार सर्विलांस करके उनकी निगरानी करके उन्हें पकड़ा जाए। इसी श्रृंखला में अभी कुछ दिनों पहले एक गैंग राजनगर पुलिस ने पकड़ा था, गहलोत और TI राजनगर की टीम ने एक गैंग को नैप किया था। उस गैंग में 5 लोग पकड़े गए थे जो कि किसी स्थान पर डकैती की योजना बना रहे थे। वहां से एक क्लू जनरेट हुआ था कि उनमें भी मोबाइल स्नैचिंग और मोबाइल चोरी संबंधी आरोपियों से कुछ लिंक थे। उसी लिंक को डेवलप करते हुए और लगातार पतासी जारी की गई। इसी दौरान कल एक मुख्य सूचना के आधार पर पता चला कि दो लोग चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रहे, उनके पास कुछ मोबाइल फ़ोन से पुलिस ने जाके तस्दीक किया तो 5 मोबाइल पहले जब्त किए गए। पता चला कि मोबाइल उनके पास कुछ सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला तो दो आरोपी जो हैं विष्णु ओझा और रवि वर्मा, इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ करी तो 71 और मोबाइल, तो इस प्रकार 76 मोबाइल जब्त किए गए हैं। और दोनों आरोपियों से अभी PR लेके अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है। अभी तक के 2 ऐसे मामले जो माणंदगा थाने में पंजीबद्ध हैं उनके मोबाइल उनके पास से बरामद किए गए हैं। अन्य 76 जो मोबाइल टोटल जो 76 मोबाइल मिले हैं इनमें सभी में ना तो इनके पास कोई इसका बिल है ना कोई इसकी और सेटिस्फैक्ट्री जवाब है। इवन पेट्रोल लाभ की जानकारी भी इन लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो पूर्णतः संदिग्ध हैं सभी मोबाइल के IMI सर्च के आधार पर, अन्य जो टेक्निकल हमारा सर्विलांस उसके आधार पर उसको पता करेंगे और इनसे PR लेकर अन्य मामलों में पूछताछ करेंगे तो संभावना और मामलों का संपर्क। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज।